पुलिस की आवाज न्यूज क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जालौन में बंदी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। जालौन के जिला कारागार में निरुद्ध एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बंदी की मौत के बाद जिला अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने उसका शव रखकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों ने जिला कारागार प्रशासन पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। बवाल की सूचना पर SDM सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने हंगामा काट रहे मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। बता दें कि जालौन जिला कारागार में हत्या के मामले में सजा काट रहे आरोपित अक्षय उर्फ राहुल की शुक्रवार को संदिग्ध हालत में तबियत बिगड़ गई थी, जिसे जेल अस्पताल के डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने शव को देखकर आरोप लगाया कि राहुल की हत्या की गई है। शरीर में चोटों के गहरे निशान का हवाला देते हुए उन लोगों ने कहा कि पहले उनके बेटे की बुरी तरह से पिटाई की गई, जब उसकी जान निकल गई तो जेल प्रशासन ने उसकी मौत हार्ट अटैक से होने की कहानी बना दी। मृतक के पिता राम सेवक का कहना है कि उसकी बेटे की मौत का जिम्मेदार जिला प्रशासन जेल प्रशासन है। उनके बेटे की मौत कल दोपहर में हो गई थी, लेकिन उसको सूचना नहीं दी गई थी। उसके साथ ही जेल में जमकर मारपीट की गई है, उसके शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। उन्होंने जेल प्रशासन पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं मामले को लेकर SDM सदर सत्येंद्र कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कल रात को जिला जेल से एक अक्षय सिंह सन ऑफ राम सेवक बच्चे को, लड़के को लाया गया था यहाँ पे, रात को मृत घोषित कर दिया गया है। जो इनकी मांग है बेसिकली कि बड़े अधिकारी आकर के हमको आश्वासन दे दें, और दूसरी बात ये है कि जो भी उस पर उनको संदिग्धता है उसकी जांच एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम के द्वारा जिसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, और उस पर परिजन जो है तैयार हो गए हैं, और बाकी जो पोस्टमार्टम है उसके बाद जो निकल के आएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं परिवार वाले के मजिस्ट्रेट जांच बैठाएंगे ये फिर आगे दिया जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेटल जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया जाता है, तो वही इस चीज़ पर निर्णय करेंगे। सर, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, चोटों के जता नहीं पाए गए हैं, ये जांच का विषय है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बिना हम कुछ कह नहीं सकते अभी। ओके, थैंक यू। मामला भैया, हमारा लड़का यहाँ बंद था जेल में, कानपुर देहात में था, वहाँ से यहाँ कर दिया गया था, और हमेशा बातचीत कराई जाती थी, लैंडलाइन नंबर था जूरई जेल का, उससे बात बातचीत कराई जाती थी, कोई सामान लाना, कोई दुख तकलीफ पूछते तो बताता था। ये ऐसा था, बच्चे लड़ गए थे, उसी में कहना ये मार दिया था एक ने दूसरे बच्चे, तो उसका मतलब सर फट गया, फिर धीरज वो मर गया, मतलब दो तीन दिन बाद, तो वो 302 हो गई, उसमें थे बच्चे सातक पढ़ने वाले थे, उसमें था ये। उसके बाद ये 20 दिन पहले सामान पहुंचाया गया, बात हुई, कोई बीमारी बात नहीं, कुछ नहीं। हमारे लड़के की उम्र 26 साल और उसकी उम्र दिखाई गई 44 साल, और मरा हुआ जेल से लाया गया, जेल से मरा हुआ लाया गया इसमें इमरजेंसी में, तब डॉक्टरों ने कहा ये तो मरा हुआ, तब वहाँ सूचना दी गई, और ये 1:38 की बात है, दिन की अपराहन की शाम मीटिंग 1:38 यहाँ लाए गए। उसके बाद 4 बजे हमें सूचना दी जा रही है कि तुम्हारा लड़का अस्पताल में भर्ती बीमार है और आप उसको देखिए। उसके बाद मैंने कहा मेरे बेटे से बात कराइए कि बात नहीं हो पाएगी और इमरजेंसी केस है, और उसके बाद फिर हमारी बेटी ने बात की, तब मालूम हुआ हमारे बेटे की डेथ हो गई। मैं यहाँ पता किया, सब कुछ पता किया, जेलर साहब से बात कर रहा हूँ, सब कुछ जेलर साहब कुछ बता नहीं रहे, स्पष्ट कुछ नहीं कह पा रहे कि क्या हुआ, और मुझे संदेह है मेरा लड़का वहाँ क्या कैसे हुआ, मुझे शंका है कि हमें सूचना क्यों नहीं दी गई, मरने के 2-4 घंटे बाद कब बीमार हुआ, कब भर्ती हुआ, ये कुछ मुझे नहीं बताया गया, इसलिए मुझे संदेह है। जेलर साहब से बात होती कहीं, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, जेलर साहब नहीं आ रहे, और उनका जो बातचीत है उसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ये बात है। और बच्चा हमारा न बीमार था, न कुछ, न कमज़ोर था, और उसकी 44 साल उम्र इसलिए की गई उसको हार्ट अटैक दिखाया जाए, 44 साल उम्र इसलिए की गई, और उसके आधार पर हमारे पास उसका आधार कार्ड है, उसकी 26 वर्ष उम्र है।